हेलो फ्रेंड्स, किचन क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम सेब का अचार बनाने वाले हैं, तो इसकी रेसिपी आपके संग हम शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने सेब को पहले से वाश कर लिया है, इसको अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसको काटेंगे, हमें ऐसे ही चाहिए, बहुत पका हुआ नहीं सेब हमें चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। तो ये देखिए इसका ये जो काला वाला है और ये बीच का भाग, ऐसे हमें निकाल देना है इसको, और ऐसे इसको दो टुकड़ों में हमें कर लेंगे। ऐसे ही सब बीच का भाग इसके हम निकालते जाएंगे। ये जो बीज है इसको हमें एक तरफ कर देना है, ऐसे इसको काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेब को काट लिया है ऐसे टुकड़ों में, ऐसे हमें काट लेना है। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम ये इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। इसमें एक हमने नींबू का रस लिया है, एक नींबू का रस इसमें पड़ेगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे हम मिक्स करके इसको रख देंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। हमने पैन में तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये 2 चम्मच राई दाना डालेंगे, पीली राई हमें लेना है, सरसों, और ये ढेर सारा सूखा हुआ कड़ी पत्ता लेना है, और इसमें हम ये लाल मिर्च खुना हुआ जो है कुटा हुआ डाल देंगे, और ये हमने मेथी दाना को क्रश कर लिया है अच्छे से, इसको डाल देंगे। ये 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर है, इसको डाल देंगे, और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये सभी हमारा मिक्स हो चुका है। अब ये जो सेब हमने रखा है मिला करके, अब इसको इसमें डाल देना है। अब इसको 2-4 मिनट के लिए हम ऐसे इसमें पकाएंगे। सेब का अचार हमारा बहुत ही मस्त और बहुत ही टेस्टी होगा। इस तरीके से अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाइए। इस अब ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से चला लिया 2-3 मिनट। अभी हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और ये जो बचा हुआ नींबू का रस इसको पूरा डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल करके इसको फ्रिज में 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं, और 10-15 दिन इसको आराम से पराठे और चपाती के संग हम इसको सर्व कर सकते हैं। ये हमारा अचार बिल्कुल बनकर रेडी है। एक सर्विंग बाउल में हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेब का अचार बिल्कुल बनकर रेडी है। इसे आप ऐसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और इसे बहुत अच्छे से 10-15 दिन खा सकते हैं। ये ख़राब 10-15 दिन नहीं होगा। तो इसे आप साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और इसको थोड़ा धूप में सुखा दीजिए, तब ये 5-6 महीने आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।